Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 5th December 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about 38th anniversary of Bhopal Gas Tragedy. And this topic is important from our syllabus GS paper 3, Disaster Management Point of View. सो देखिए थर्ड दिसंबर को यानी कि सेकेंड दिसंबर की, की रात को और थर्ड दिसंबर की मॉर्निंग को 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के लीक होने के कारण भोपाल के अंदर लगभग ढाई हजार लोगों की डेथ हुई एंड अबाउट 17,000 पीपल गॉट परमानेंटली डिसेबल्ड ये जो लीकेज हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस का जो कि एक तरीके का टॉक्सिक गैस है दैट हैपन्ड फ्रॉम प्लान्ट एम एनसी यूनियन कार्बाइड ये अमेरिका बेस्ड कंपनी है यूनियन कार्बाइड अब इसको डो जॉन्स ने अक्वायर कर लिया है दैट टाइम इट वॉज अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन और वहां पर लीकेज हुआ था और इसको भोपाल के स्ट्रेटजिटी को कंसिडर किया जाता है इज वन ऑफ द वर्स्ट मैन मेड डिजास्टर्स दैट हैपन इन इंडिया तो ये डिजास्टर एग्जैक्टली हुआ कैसे तो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो कि एक सब्सिडरी है ऑफ यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन जो कि यूएस बेस्ड कॉरपोरेशन थी वहाँ पे ये लीक हुआ इनका एक प्लांट भोपाल शहर के आउटस्कर्ट्स में बना हुआ था और दो दिसंबर की रात को और तीन दिसंबर के सुबह के आसपास का टाइम होगा वेन टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस स्केप्ड द प्लांट और जो आसपास में रहने वाले लोग थे पहले तो उनको थोड़ी बहुत बर्निंग सेंसेशन बर्निंग सेंसेशन फील हुई आंखों में एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे लॉस्ट देयर कॉन्सियसनेस एंड मेनी पीपल डाइड एज वेल तो देखा आपने लगभग ढाई हजार से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी उसी वक्त लेकिन ये जो लीकेज हुआ था उसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ उस टाइम की कैजुअलिटीज़ को हो करके ख़त्म नहीं हुआ इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स भी हुए हैं तो एक करके देखते हैं द इम्पैक्ट ऑफ दिस लीक कैजुअलिटीज़ तो हुए ही वेयर मोर दैन थ्री थाउजेंड और अबाउट टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड पीपल डायड लेकिन जो सर्वाइवर्स थे उनके ऊपर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ जिन्होंने भी इन गैसेस को इनहेल कर लिया था कई सारे लोगों के रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑर्गेंस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कई सारे जो सर्वाइवर्स थे उन पर लॉन्ग टर्म निगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट पड़ा जिसके कारण उनकी कई सारे जो फिजिकल कॉम्पोनेंट्स हैं वो डी जेनरेट हो गई कई सारे जो विमेन उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट होने के कारण उनके जो बॉर्न चिल्ड्रन हैं दे ऑल्सो वे आर बॉर्न विथ मैनी कंजेटल हेल्थ प्रॉब्लम्स यानी कि जो जेनेटिक हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उनके साथ आज भी वहाँ पे कई सारे बच्चों का जन्म होता है तो बेसिकली दिस भोपाल गैस ट्रेजडी इज़ लीडिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ डिसऑर्डर्स और यू मे से जेनेटिक हेल्थ डिसऑर्डर्स अमंग द चिल्ड्रेन ऑफ भोपाल टिल डे और जो वहाँ के आसपास के जो नेचुरल रिसोर्स के जो ऑप्शंस थे रिसोर्स थे जैसे कि वाटर बॉडी वगैरह आज भी कई सारे ऐसी वाटर बॉडीज हैं देट आर कंसिडर टू बी पॉल्यूटेड एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन लेकिन इसके बाद इस भोपाल गैस ट्रेटडी के बाद एक चीज़ हुई कि भारत सरकार एक कानून लेकर के आई पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ तो भोपाल गैस ट्रेजडी में जो भी विक्टिम्स थे उनको तो कंपनसेशन दिला दिलाया भारत सरकार ने यूनियन कार्बाइड से जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थी बिहाइंड दिस लीग इसके बाद एक कानून भी बनाया गया पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991 नाइन्टी ये कानून में कैसा है कि अब कोई भी इस तरह का जो प्लांट है प्लान्ट या, या फैक्ट्री है जो इस तरीके के टॉक्सिक एलिमेंट्स या गैसेस के साथ डील करता है उनको पहले से एक इंश्योरेंस लेना होता है और इस इंश्योरेंस का मेन पर्पस यही होता है उसमें वो प्रीमियम भरते रहते हैं और अगर कोई इस तरह के डैमेज होते हैं इस तरीके का कोई डिज़ास्टर होता है तो उस केस में इस इंश्योरेंस का मेन पर्पस होता है कि इमीडिएटली जो अफेक्टेड पर्सनस हैं या उनकी फैमिली है उनको रिलीफ पहुँचाने के लिए इस इंश्योरेंस की कंपनसेशन का इस्तेमाल किया जाता है तो चूँकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आप कभी सवाल लिखें तो इंडिया के अंदर वन ऑफ़ द ग्रेटेस्ट डिज़ास्टर मैन मैनमेंट डिजास्टर इज भोपाल गैस ट्रेजेडी तो आपको इसको हमेशा याद रखना चाहिए और उसके कुछ फैक्ट्स याद रखने चाहिए आपको कोट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने भोपाल गैस ट्रेजेडी पे क्या कहा है वो भी जरा देखते हैं यूनाइटेड नेशन की जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उसने एक टू में रिपोर्ट पब्लिश करके कहा कि एटलीस्ट थर्टी टनस ऑफ द पॉइजनस गैस वे रिलीज एंड दैट अफेक्टेड मोर देन सिक्स लाख वर्कर्स इन द नियर बाई इन्हाबिटेंट्स एंड इट ऑल्सो सेड That this Bhopal gas tragedy was amongst the world's major industrial accidents that have happened since the end of World War वन hmm. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको तो दे रखा है प्लीज दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्ट इज अबाउट यू मार्केट कैप डेडलाइन अंड दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर मार सिलेबस जी पेपर थ्री इंडियन इकोनमी पॉइंट ऑफ व्यू पहले जरा यू क्या है वो समझ लेते हैं फिर करंट आएंगे तो देखिए अगर आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है तो पहले क्या करना होता था कि एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट में आपको ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ऐड करना होता था और फिर आप जा के पैसा ट्रांसफ़र कर सकते थे वो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है लेकिन अब उसके लिए एक सिंपलर ईजियर और लेस टाइम टेकिंग प्रोसेस ला दिया गया है जिसको हम कहते हैं यू इसमें कैसा है एक अकाउंट एक एक से दूसरे अकाउंट में आप पैसा आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू दिस सिस्टम जिसका नाम है यू जिसमें आपको दो बैंक अकाउंट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है लिंक करने की जरूरत नहीं है तो ये जो यू है इसका इस्तेमाल किया जाता है पेटीएम में गूगल पे में भीम में अमेजन पे में और व्हाट्सएप पे में टू तो ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू तो अनदर अकाउंट इसका एक ही बस लिमिटेशन है कि एक बार में पचास हज़ार ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं तो मतलब मैक्सिमम ट्रांसफर लिमिट है अदरवाइज ये जो एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट से लिंक करने का प्रॉब्लम था ऑनलाइन बैंकिंग में उसको पूरी तरह से रिजॉल्व कर लिया गया है विथ हेल्प ऑफ यू पी को फीचर फोन या स्मार्टफोन दोनों से ही चलाया जा सकता है और इसके लिए कोई अलग से मोबाइल वॉलेट होने की जरूरत नहीं है ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दोनों में चलाया जा सकता है जो टॉप के यूपीआई प्लेयर्स हैं नाम तो आपको पता ही होगा फोन पे गूगल पे पेटीएम पे, भीम तो एक एक और बात आपको पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखनी चाहिए कि इंडिया का जो यूपीआई है दैट इज लिंक्ड विद सिंगापोर्स पे नाउ एज अ पार्ट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था बाय नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये कंपनी है जिसको आर ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ मिल करके बनाया था इन ऑर्डर टू प्रमोट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पेमेंट एंड सेटलमेंट सर्विसेज तो आर ने बनाया एन को ऑनलाइन पेमेंट को प्रमोट करने के लिए हमारे देश में और एन ने बनाया यू को 2016 में फॉर ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट तो और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरबीआई uh, ने एनपीसीआई को बनाया है जिसने यूपीआई को बनाया तो आरबीआई ने एन पी सी आई को बनाया अलॉन्ग विथ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन इंडियन बैंक्स एसोसिएशन इंडिया के दस बैंक्स का एक एसोसिएशन है जो मिलकर के आरबीआई के साथ काम करते हैं अलग अलग तरह के एरियाज़ में डिजिटलाइजन को प्रमोट करने के लिए अभी जरा समझते हैं द करेंट कॉन्टेक्स्ट तो देखिए यूपीआई सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली तो अब कई सारी कंपनियां हो गई हैं अब इन सारी कंपनियों में प्रॉपर कंपटीशन बना रहे और किसी भी कंपनी के पास अनड्यू एक्सेसिव मार्केट शेयर ना आ जाए जिससे उनकी मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन बने इसको अवॉइड करने के लिए आर ने एक रूल लाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी कंपनी के पास ओवरऑल मार्केट शेयर 30 परसेंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए यानी कि जितने भी कस्टमर्स हैं किसी के कंपनी के पास 30 प्रतिशत से ज़्यादा कस्टमर्स नहीं होने चाहिए ये इसलिए लाया था आरबीआई ने ताकि प्रॉपर कंपटीशन हो सके अलग अलग यूपीआई प्रोवाइड करने वाली फिनटेक कंपनीज के बीच में और फिर उसके बाद बेहतर कंपटीशन होगा तो लोगों को सस्ते दामों पे ये बेहतर से बेहतर सर्विसेज दे पाएंगे इसके लिए जो डेडलाइन दिया था आरबीआई ने कि 30 परसेंट से कम मार्केट शेयर रखना है किसी भी यू सर्विस प्रोवाइडर का वो डेडलाइन था फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी इसमें मेन हिंड्रेंस आ रहे थे दो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फ़ोन पे और गूगल पे इन दोनों का ही मार्केट शेयर 30 परसेंट से काफी ज्यादा है तो इनके रिक्वेस्ट करने पे आरबीआई ने इस डेडलाइन को एक्सटेंड किया फर्स्ट जनवरी 2021 से फर्स्ट जनवरी 2023। अब न्यूज निकल करके ये आ रही है कि आर ने फर्दर पोस्टपोन कर दिया इस टाइमलाइन को फॉर अटेनिंग 30 परसेंट मार्केट शेयर या लेस मार्केट शेयर फॉर ऑल द यू सर्विस प्रोवाइडर्स और अब अगला डेडलाइन कर दिया है बी ने थर्टी दिसंबर ट्वेंटी इस टॉपिक के बेसिस प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रखा है प्लीज एट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आसाम प्लांटेशन लेबर एक्ट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर मारेबस फाइव आसाम ऑफ व्यू सबसे पहले समझते हैं प्लांटेशन क्रॉप होता क्या है तो देखिए प्लांटेशन क्रॉप के कुछ फीचर समझ लीजिए इट इज कल्टिवेटेड ऑन एक्सटेंसिव स्केल तो लार्जर स्केल पर इसको कल्टिवेट किया जाता है इन कॉन्टीन्यूअस एरियाज़ तो बहुत सारे एरियाज़ को एक साथ मिला करके लार्जस्स स्केल पे इसको और प्रैक्टिस किया जाता है एंड इट इज़ ओन्ड और मैनेज्ड बाय कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स तो प्लांटेशन क्रॉप में बेसिकली आ जाता है टी कॉफ़ी रबर कोकोआ कोकोनट नट ऑयल पम्प कासिव इटीसीज प्लांटेशन क्रॉप्स की एक और ख़ासियत होती है कि कॉमर्शियल वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है यानी कि इनको फार्मिंग करने के लिए आ, आपको एक तो पहले इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है लेकिन रिटर्न भी उतना ही ज़्यादा मिलता है इसको एक्सपोर्ट भी काफ़ी हद तक किया जा सकता है जिससे फार्मर्स की ओवरऑल इनकम में काफ़ी ऑगमेंटेशन होता है बट कॉमर्शियल फार्मिंग एक सबसिस्टेंस uh, फार्मर्स के लिए करना संभव नहीं है क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे लार्ज लैंड एरिया चाहिए उसके अलावा बहुत सारा इनपुट चाहिए इन्वेस्टमेंट चाहिए तो कॉमर्शियल फार्मिंग फिर जो स्मॉल लेवल के फार्मर्स हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अब जरा बात करते हैं प्लांटेशन वर्कर की ये कॉमर्शियल फार्मिंग जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं ये किसी भी स्मॉल लेवल के फार्मर्स के लिए करना थोड़ा कठिन हो जाता है अब बात करते हैं प्लांटेशन वर्कर की तो इसका भी एक टेक्निकल डेफिनेशन है प्लांटेशन क्रॉप फील्ड के अंदर काम करने वाले वर्कर्स होते हैं प्लांटेशन वर्कर्स लेकिन इनका एक डेफिनेशन होता है कि दे मस्ट हैव वर्क इन दैट प्लांटेशन फील्ड फॉर मोर देन सिक्सटी डेज इन अ ईयर ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन ए प्लांटेशन फील्ड आइदर हु इज़ वू इज़ स्किल्ड अनस्किल्ड मैन और क्लेरिकल बट इंक्लूड्स ए पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर मोर देन सिक्सटी ईयर्स तो प्लांटेशन फील्ड में आपने साठ दिनों से ज़्यादा एक साल में काम किया हो तो जाकर के आप प्लांटेशन वर्कर कहे जा सकते हैं प्लांटेशन वर्कर कहे जाने से फ़ायदा क्या होता है कि प्लांटेशन लेबर एक्ट नाइनटीन के अंतर्गत जो बेनिफिट्स हैं वो आपको दिए जा सकते हैं अभी जरा देखते हैं सबसे पहले द इशूज़ ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम आखिर आसाम के अंदर जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं जो प्लांटेशन फील्ड्स में प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए काम कर रहे हैं उनका क्या प्रॉब्लम है बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो सब स्टैंडर्ड हाउसिंग खाने पीने का जो क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब है इसलिए पुअर न्यूट्रिशन एंड रेसनिंग इज़ देयर सब स्टैंडर्ड एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज टू देम एंड देयर चिल्ड्रेन तो अगर तीन सिस्टेमिक सिस्टेमिक वीकनेस देखा जाए टी इकोसिस्टम का तो वो ये है आपको याद रखना है ए पी के पेपर फाइव में इससे रिलेटेड सवाल आता ही आता है इस बार भी आया था आगे भी आ, आएगा कि जो हमारा टी इको है आसाम का उसमें सिस्टमेटिक क्या प्रॉब्लम्स है मतलब सिस्टम रिलेटेड क्या तीन मुख्य समस्याएं हैं तो तीन मुख्य समस्याएं हैं आउटडेटेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मैनेजमेंट जो है वो ब्रिटिशर्स टाइम का ही वही सिस्टम चल रहा है अभी भी, भी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो ओवरऑल लेबर मैनेजमेंट हो इट इज कॉलोनियल स्टाइल प्रैक्टिस ओनली। मार्जिनलाइजेशन मार्जिनलाइजेशन से हमारा मतलब है कि जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनको अभी भी आउटसाइडर्स की तरह काउंट किया जाता है दे आर डिनाइड विथ मैनी ऑफ द बेनिफिट्स दैट इन जनरल शुड बी एवेलेबल टू दैम और लेजिस्लेशन जो कानून है प्लानेसन वर्कर्स के लिए वो एक्सप्लोइटेटिव है तो प्लांटेशन लेबर एक्ट नाइनटीन लाया गया था फॉर द वेलफेयर एंड बेनिफिट ऑफ द प्लांटेशन वर्कर्स बट इसके प्रोविजन ठीक से इंप्लीमेंट नहीं होते एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द प्लानेशन वर्कर्स डू नॉट बेनिफिट फ्राम दिस प्लांटेशन लेबर एक्ट क्या है प्लांटेशन लेबर एक्ट वो जरा देखते हैं प्लानेशन लेबर एक्ट नाइनटीन फिफ्टी वन में लाया गया था फॉर एनी प्लानेशन वर्कर हु इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ टी कॉफी रबर कार्डमम ई टी सी प्लानेशन लेबर एक्ट के हिसाब से प्लांटेशन वर्कर वही होगा जो किसी भी ऐसे प्लांटेशन फील्ड में काम कर रहा है जिसका साइज़ 15 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा है और वहाँ पे कम से कम 15 वर्कर्स काम करने चाहिए तभी जा करके वो प्लांटेशन फील्ड uh, में काउंट होगा अंडर प्लांटेशन लेबर एक्ट ऑफ 1951 स्टेट गवर्नमेंट विल बी एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू मेक एनी रूल चेंजेस और इशू ऑर्डर अंडर दिस प्लांटेशन लेबर एक्ट ऑफ नाइनटीन फिफ्टी वन और फिर इसी प्रोविजन का इस्तेमाल करके असाम सरकार ने कई सारे नियम बनाए हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द टी प्लांटेशन वर्कर जो हमारे यहाँ के टी प्लांटेशन कंपनियों को मानना मैंडेटरी है जैसे फ्री हाउसिंग मेडिकल फैसिलिटीज प्राइमरी एजुकेशन पोटेबल वाटर सैनिटेशन क्रैस सर्विसेज बिहाइंड कंसेशनल इलेक्ट्रिसिटी फूड ग्रेन फायर वुड फूड वेरिटीस ये सब प्रोवाइड कराना जरूरी है बाई द प्लांटेशन फील्ड ओनर्स और कॉरपोरेट्स टू द प्लांटेशन वर्कर्स एज पर प्लांटेशन लेबर एक्ट नाइनटीन उसमें यह भी प्रोविज़न है कि देर शुड बी डेली रेस्ट रेस्ट करने का प्रोविजन होना चाहिए पेड एनुअल लीव होने चाहिए लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क पर पर्सन ये सब होने चाहिए बट प्रॉब्लम क्या है वेरी फ्यू टी प्लांटेशन मैनेजर्स फुली इम्प्लीमेंट दीज वेलफेयर स्कीम्स इन स्कीम्स का ब्लैक एंड होता है एंड येट नॉट मच इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैव बीन टेकन इन ऑर्डर टू इंश्योर की द मैनेजर्स और द टी कॉर्पोरेट स्टिक टू द प्लांटेशन लेबर एक्ट और इसीलिए इस आर्टिकल में यह कहा गया है देख सकते हैं कि असाम प्लानेशन लेबर एक्ट इज आउटडेटेड एंड वी नीड टू ब्रिंक अ न्यू मोर लेबर प्लांटेशन लेबर एक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द प्लांटेशन लेबर विच इज क्वांटिफाइबल एंड विच हैज़ मेकैनिज्म टू एंश्योर इट्स बेटर इन्फोर्सिबिलिटी ये लिखना आपको होगा इन द क्वेश्चन इफ इट कम्स ऑन प्लांटेशन लेबर की प्लांटेशन लेबर एक्ट आउटडेटेड हो चुका है एंड वी नीड टू ब्रिंग मोर एफिशियंट इफेक्टिव लॉ इन ऑर्डर टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द प्लांटेशन वर्कर्स टी गार्डन और भी क्या प्रॉब्लम हमारे यहाँ के टी गार्डन वर्कर्स के दे आर नॉट कवर्ड अंडर मिनिमम वेजेज एक्ट इन्वेस्टमेंट इन नॉन कैश बेनिफिट्स आर नॉट इनफ ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की बात की गई है एजुकेशन की हेल्थ की इसमें जो टी गार्डन या कॉरपोरेट्स हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है मतलब दे बेसिकली डू नॉट प्रोवाइड एनी सिग्निफिकेंट बेनिफिट टू द टी वर्कर्स अपार्ट फ्रॉम द मोनिट्री कंपनसेस जो थोड़ा बहुत डेली वेज का पैसा आ गया उसके अलावा हेल्थ एजुकेशन पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते प्लानेशन लेबर एक्ट नाइनटीन के प्रोविजन्स का ठीक तरीके से पालन नहीं होता है आसाम सरकार ने अभी तक क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं प्लांटेशन लेबर्स के इम्प्रूवमेंट के लिए उनके लाइफ के इम्प्रूवमेंट के लिए तो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर किया गया रुपीज़ टू थर्टी टू पर डे फॉर दोज आर वर्किंग इन ब्रह्मपुत्रा वैली एंड दोज आर वर्किंग बराक वैली दे विल बी गेटिंग मिनिमम वेजेज ऑफ टू पर डे आसाम टी प्लानेशन इम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड बनाया गया है देर हैव बिन सेवन कमिटीज़ क्रिएटेड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ टी ट्राइब्स अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन फैमिली प्लानिंग लीगल अवेयरनेस हेल्थ टी सी कोचिंग फॉर द हायर स्टडीज़ फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ टी प्लानेसन वर्कर्स बिल्डिंग हंड्रेड नाइन्टीन मॉडल न्यू मॉडल स्कूल्स ये हाल फिलहाल में किया है हमारे प्रेसिडेंट ने आकर के इस को इनाग्रेट किया नाइनटीन न्यू वन हंड्रेड नाइन्टीन न्यू मॉडल स्कूल्स फॉर आसाम प्लान्टसन वर्कर्स चिल्ड्रेन direct benefit scheme under cha dhan mela financial assistance of rupees 5 lakh each to the families of 13 martyrs belonging to the tea tribe grant to cultural organization and promotion of cultural activities grant to women self help group training of uh, a training of agricultural tea workers for assembly uh, employment and insurance premium up to rupees 10 lakh the, i'm so sorry insurance premium to about 10 lakh beneficiaries तो इस टॉपिक पे इस तरीके का मेंस में सवाल आ सकता है पेपर फाइव में व्हाट आर द मेन चैलेंजेस फेस्ड बाय प्लांटेशन लेबरर्स ऑफ असम विथ स्पेशल फोकस ऑन टी ट्राइब्स ऑफ असम तो इसमें जो भी पॉइंट्स आपको चाहिए वो तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकते वो भी आप लिख देना इसमें कंक्लूजन में आप कुछ ऐसा लिख सकते हो कि इट इज़ द टाइम दट द गवर्नमेंट रैशनलाइजेज एट द सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ़ द टी प्लांटेशन स्टिपुलेटेड इन द एक्ट एंड इंस्टीट प्रोमोट्स हाइयर वेजेस फॉर द टी वर्कर्स अलॉन्ग विद द सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो जो भी पॉलिसीज हमने बनाई हैं उसका ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करना जरूरी है ताकि जो टी वर्कर्स को प्रॉमिस किए गए हैं सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स वो उनको इफेक्टिव तरीके से मिल सकें द नेक्स्ट आर्ट इज अबाउट असाम एजुकेशन ट्रस्ट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर मर सिलेबस जी एस पे प्रफाइव असाम इस यूज पॉइंट ऑफ व्यू तो आसाम एजिटेशन के बारे में एक, जरब, एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं देन वी विल सी अबाउट आसाम एजिटेशन ट्रस्ट तो आप सबको पता है कि 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर शुरू हुआ तो कई सारे इलीगल इमीग्रेंट्स जो उस टाइम के ईस्ट पाकिस्तान से हमारे देश इंडिया में घुस आए इन द बॉर्डर स्टेट्स मेनली स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल एंड आसाम तो फिर इस तरह के इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट एक मूवमेंट शुरू हुआ असाम के स्टूडेंट्स ने एक मूवमेंट शुरू किया स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने शुरू किया एक मूवमेंट 1979 में जिसको हम लोग आसाम प्रोटेस्ट या आसाम मूवमेंट या आसाम एजुटेशन नाम से जानते हैं द प्रोटेस्ट कंटिन्यूड फॉर अबाउट सिक्स ईयर्स जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स को इस प्रोटेस्ट के दौरान अपने लाइफ भी सेक्रीफाइस करनी पड़ी सो मोर देन एट स्टूडेंट्स लॉस्ट देयर लाइफ इन दिस आसाम एजुटेशन दैट इस फ्रॉम फ्राम नाइनटीन टू एटी These casualties happened mainly because of police atrocities. Finally, छः सालों के प्रोटेस्ट के बाद एजिटेशन के बाद भारत सरकार ने आसू ऑल असाम स्टूडेंट यूनियन के डिमांड्स को माना एंड अ ट्राई पार्टेड अग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ आसाम एंड स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव वॉज साइन फिफ्टीन अगस्त 1985 व्हिच इज़ पॉपुलरली नोन एज असम अकॉर्ड जिसमें प्रॉमिस किया गया कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं हमारे असम स्टेट में उनको आइडेंटिफाई करके असम से वीड आउट किया जाएगा और स्पेशल प्रोविज़न लाए जाएंगे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एजुकेशनल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ़ असम इसके लिए क्लॉथ सिक्स लाया गया और इलीगल इमिग्रेंट्स को वीड आउट करने के लिए एनआरसी प्रोसेस को अपडेट करने का काम शुरू किया गया इन टू अभी करेंट यूज़ ये है कि जो भी स्टूडेंट्स लगभग 800 हंड्रेड स्टूडेंट्स दे हैड सेक्रीफाइज देयर लाइफ ड्यूरिंग द आसाम एजुटेशन उनके फैमिली मेम्बर्स के वेलफेयर के लिए एक ट्रस्ट बनाया हुआ है आसाम एजुटेशन वेलफेयर ट्रस्ट इस आसाम एजुटेशन वेलफेयर ट्रस्ट में ओवरऑल कॉरपस फंड पाँच करोड़ रुपए का था अभी तक उसमें पाँच करोड़ रुपए और ऐड कर दिए हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा साहब ने तो नाउ आसाम एजुटेशन ट्रस्ट हैज ओवरऑल टेन करोड़ रुपए एट इट्स डिस्पोजल उसके साथ ही आसाम एकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि दे शुड क्रिएट ए डेटा ऑफ ऑल दोज इंडिविजुअल्स हु वेयर इंजर्ड ड्यूरिंग आसाम एजुटेशन ताकि उनको भी इस आसाम एजुटेशन ट्रस्ट का बेनिफिट दिया जा सके द नेक्स्ट शर्टिल इज़ अबाउट रेलवे मैनेजमेंट सर्विज दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्रोलिप्स एग्जाम पॉइंट ऑफ यू इस टॉपिक को बेसिकली मैं इसलिए भी कवर कर रहा हूँ ताकि आप सबको मैं इन्फॉर्म कर सकूँ कि एक नए तरीके का वैकेंसी आ रहा है नए तरह के सर्विस के लिए रेलवे में जिसका नाम है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज़ तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने यूपीएससी और डीओपीटी के साथ कम्युनिकेट करके अब फैसला लिया है कि अगले साल से इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज का एग्ज़ाम अलग से होगा 2023 से इसका एग्ज़ाम तीन स्टेज में होगा पीटी मेंस इंटरव्यू पीटी में चार पेपर होंगे टोटल एम सो सॉरी पी तो जैसे यू पी होता वैसे होगा लेकिन मेन्स में टोटल चार पेपर होंगे हिंदी इंग्लिश का पेपर होगा जो क्वालीफाइंग होगा इट विल बी ऑफ थ्री हंड्रेड मार्क्स ईच उसके अलावा दो ऑप्शनल पेपर होंगे ऑफ टू हंड्रेड फिफ्टी मार्क्स ईच और पर्सनालिटी टेस्ट हंड्रेड मार्क्स का होगा तो आप इस एग्जाम के बारे में और पता कर सकते हैं और इसकी भी तैयारी कर सकते हैं अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं इंच स्ट्रेटजी इज एसोसिएटेड विथ वेलफेयर ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटी वासन आर एनेजमेंट से रिलेटेड ये दोनों स्टेटमेंट सही है दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग